का फैसला वक्त करेगा। बैरून मुल्क से वापस आने वाला ये शख्स जो आज इस सरजमीन पर उतरने वाला है, इस मुल्क का मुअज्जज़ शहरी होने का तमगा भी रखता है और अवाम में मकबूल होने का दावेदार भी है। ग्रुप दी हाई कमान सब तो पहले तानू इलाज दे बहाने कामयाब कारोबार दी मुबारक बात पेश कर दी है। सर तुसा अपना कौल सच साबित कर देता है कि ए दुनिया सिर्फ ते सिर्फ उस कमीने लिए बनी है जिदे वन टू यानी के दो चेहरे हो। सर आई तुहाडी अदालत च एक एहो जिहा मुजरम पेश होएगा जिस कमीने दा एक चेहरा है, मेरा मतलब है मिस्टर राजू। एस कमीने नू बॉर्डर से कुड़िया पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन इन्हें इनकार कर दिता। सर इनकार मैं इसलिए कर दिता सी कि साढ़े खिलाफ मुखालफ ग्रुप ने उसनू मुखबरी कर दी सी, जे मैं जाता तो गिरफ्तार हो जाता। तेनू पुलिस छित्तर मार दी, पानी च उल्टा लटका के खोते दें दी, तेरे जिसम ते ग्रेनेड बदे जाते, नतीजतन तू मर जांदा। सर एक कदम मैं इसलिए नहीं चुकिया सी, इस तरह साडे ग्रुप दे बेनकाब होण दा खतरा सी। असी तेरी नेक नियती ते यकीन कर दिया होया, तैनू सिर्फ 10 कोड़ियां दी सजा देने आ। सर ए ज्यादती है, हुण भी कोड़े मारांगे। सर रहम करो, 40 कोड़े। सर मैं तुहाडा पुराना खिदमतगार हां, तैनू गोली मार दे। वाह सर वाह, की कमीनगी है, क्या इंसाफ है। अस इंसाफ नहीं करते सेक्रेटरी, सिर्फ ऑर्डर करने आ। जो सोच लिए सजा, जो मुंह निकल जाए लॉ, ऐसे ले देसी नो अपना मार्शल लॉ कहने आ। मार्शल लॉ का मतलब है एक्शन। मुजरमा दे ना होंदे ने, ए मासूम बच्चे दी तस्वीरां किने लाईयां ने। ए जुर्म असी कीता है, तुसी मैं सशंजा शेरफगना बेटे
जदों भी मेरे इलाके च कोई नवा अफसर आंदा है मैं उन्हें यह तस्वीर जरूर वखाना वा। बच्चे ऐ बच्चे मेरे बच्चे ने बीस साल पहले इस मुल्क एक तूफान आया सी ते उस तूफान का नाम सी तारा। ए मेरी बदबख्ती समझ ले शाह खुशकिस्मती जिस दारे नू कानून की अख ना वेख सकी कुदरत नू मेरे सामने ले आई मैं उन्हें फड़ के कानून के हवाले करना चाहा फिर मेरे ते कयामत गुजर गई। मत तेरे सिर उतों इको ही सूरज ही टल सकती है शेर अफगन कि तू मेरे जुर्मा की जड़ बन जा। ए तेरी सजा नहीं शेर अफगन सजा दी इब्तिदा है। मैं स्मगलर ही नहीं इंटरनेशनल दल्लामा शेर अफगन तेरी जिंदगी का आखिरी मोड़ ते आखिरी बच्चा बच्चे तिनसन मिस्टर शौकत और दारा रब दी सौ तीन सौ भी होंदे ते कुर्बान करके तेनु कानून दे शिकंजे कस देता। चुप शेर अफगन दे पन भैये ते वेख तेरी बीवी ते शेर अफगन दी बहन मेरी मंडी दे केस केस काग दी हवस दा शिकार होने वाली है। मैं तेरी जबान पढ़ देंगा कुत्ते। वेख होए तेरी बीवी ते तेरी बहन ते बराए फरोख की पट्टी लग गई है। तारा मेरी बीवी ते मेरी बहन तो बराए फरोख की पट्टी ला दे। नहीं शेर अफगन जिदे ते बराए फरोख की पट्टी एक बारी लग जाती है ओ या ते दिखती है या मरती है ये साडा असूल है। गैरत तू वेख के मैं फैसला किया है कि तेरी बीवी ते तेरी बहन की थां ते बराए फरोख दी पट्टी एक दिन मैं तेरी पांजी ते लावांगा। घबरा ना शेर अफगन घबरा ना मैं तेनू कुछ नहीं कहांगा इसलिए कि तू वकील है वकील। जा जा जाके अदालत का बुआ खड़का ते साबित कर मैं शौकत नहीं दारावा दारा। ताज़ी रात पाकिस्तान और ये तराजू कितना कमजोर कितना बेबस और कितना बेख्तियार है इसका अंदाजा मुझे बर्बाद होने के बाद हुआ है योर ऑनर। कितने दुख की बात है कि कानून शिकन ने मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी बहन और बहनों ही कत्ल कर दिए भांजी भांजा लापता हो गए मेरे बच्चे जुदा कर दिए और मुझे मुझे इस चैलेंज के साथ जिंदा छोड़ दिया
कि मैं अपने मुल्क के मुर्दा कानून में जान डाल सकूं। योर ऑनर, आप इस मुल्क के नामवर वकील हैं। इतने कत्लों का मुकदमा बराह रास्त नहीं बल्कि पुलिस के जरिए अदालत में आता है। जब सिपाही से लेकर आईजी साहब तक को उस मुजरिम का नाम सुनकर खामोश देखा तो आपके दरवाजे पर आ गिरा हूं योर ऑनर। इसलिए नहीं कि मेरे खानदान के कातिल को सजा मिल जाए, इसलिए कि मेरे मुल्क में स्मगलिंग, अगवा, डाके, धमाके और फिरका वाराना फसाद करवाने वाले चीफ ऑफ दारा ग्रुप का खात्मा हो जाए। तुम्हारे साथ ये जुल्म दारा ने किया है जी? तुम उसे जानते हो? आप भी जानते हैं, अवाम का अंदाजा है वो। मस्जिदों का संग बुनियाद भी रखता है, यतीम खानों को चंदा भी देता है। अगर आप भी आप उसका नाम नहीं जान सके तो मुझसे सुनिए योर ऑनर। शहर वाले उसे शेख शौकत के नाम से जानते हैं। रसम तो यह है योर ऑनर, कानून मुजरिम का पीछा करता है और मैं कानून का पीछा करता करता कानून के सामने आ गया और मुजरिमों के कटहरे में खड़ा हूं। मेरे खिलाफ सबूत पेश करो। मैंने अपने आप को पेश कर दिया है। मेरे पास सिर्फ मेरी जुबान, मेरा जमीर और मेरी सच्चाई है। आप तो मेरे खिलाफ अकेले जबानी गवाही दे रहे हैं ना, और मैं पूरा शहर बतौर गवाह आपके खिलाफ पेश कर सकता हूं कि आप ही चीफ ऑफ दारा ग्रुप हैं। अदालत जज्बाती अंदाज में तकरीर सुनकर किसी की तकदीर से नहीं खेल सकती। आई एम सॉरी वकील साहब। मिस्टर शौकत, आप जा सकते हैं। शुक्रिया जनाब। वकील साहब, हुन तुसी वकालत दे काबिल नहीं रहे, लिहाजा मैं अपने खैराती फंड चो ताडे वास्ते 1,000 रुपया महीना खर्च मुकर्रर करन दा ऐलान कर रहा हूं। तू बच नहीं सकता तारिया, ते तू कदी भी साबित नहीं कर सकना कि मैं तारा वा। इस तरह जुर्म ते कानून की कहानी, कानून ले चैलेंज बन के तारे दी नजर च खत्म हो गई, लेकिन मेरी नजर च हाले भी कहानी दा अंजाम बाकी है। तुसी हौसला रखो सर, इस कहानी दा आखिरी बाब मैं लिखांगा। तुसी ये दसो तारा कौन है? ते फिर दिल ते हाथ रख के सुन बेटे, जे सेठ शौकत तू अपनी हिफाजत कर पहुंचा के आया है, ओहो तारा है। ते हुण तू भी सबका अफसरों वांगू है ना कह देवी कि जज साहब तुसी पागल ते नहीं हो गए हो? नहीं नहीं जज साहब, मैं हर चमकन वाली चीज नू सोना नहीं समझता। यकीन रखो, अगर शौकत तारा है तो फिर वो मेरी अखां तो बच नहीं सकता। जिते मेरे ना मासूम बच्चियां दा पूछे उथे भी पूछी कि मेरे मासूम पाजा ते पाजी किथे वे। शेर अफगन दे पांचे नू कमांडर ते ओदी पांचे नू इंटरनेशनल दली बना के तुसे साबित कर दिता है कि ऐस दुनिया दे सब तो वड़े कंजर तुसी हो। नो 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 सेक्रेटरी, आसी नो कंजर। वाई? ओ ओ ओ सेक्रेटरी, जदो छोटे ते गरीब गुरबा लोग एक कारोबार करन ते ओ दल्ले कंजर, जदो साडे वर्गे रईस ते वड़े लोग कारोबार करन तो इंटरनेशनल बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। Understand? Yes. Good, 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 good. Commander की जंगली बिल्ली
मेरे वो चेक ने सेक्रेटरी जेड़े जदों चावा कैश करा लवा ओ मोरे ने जिन्हां नूं चल के मैं हर मोड़ ते शेर अफगन नूं मात दे सकना वा। कमांडर ओ बराए सर जिदे कोलों कदी कदी मैं भी खौफ खाना, लेकिन तुहाडी गैर मौजूदगी च तुहाडे काले कारोबार नूं उहने चार चांद ला दित्ते ने कमीने ने। सच पूछे सेक्रेटरी, मेरा मार्शल लॉ है। जदों मुल्क दा लॉ साडे लई अजाब बन जांदा है, असी मार्शल लॉ नाफिज करके साफ बच जाने हां। आदिल, इंस्पेक्टर आदिल मेरा नाम है सर। आईजी साहब तो पता लगा सी कि ताड़ी मेरे इलाके ट्रांसफर कर दी गई। हैरत है, मेरे इत्थे आन दी तला सब तो पहले तानू हुई है या जज शेर अफगन नू? की मतलब? एक दावा कीता जज साहब ने मेरे थाने आके, वो जान देने के दारा कौन है। हैरत है, तू दारे पीछे जान दी बजाए मेरे को आ गए। मैनू भी इस गल दी कि कानून 20 साल तो शेर अफगन दा बयान पढ़न तो बाद भी दारे तो दूर है। इतने जंगल दा कानून ते नहीं कि सिर्फ किसी दे बयान ते हथकड़ी लग जाए। लेकिन जिथे तिकर मेरा ख्याल है शेर अफगन ना उत्ते पागल है, ना ही बदयानत है, ते ना ही बेवकूफ। फिर जिन दारा कहता है ना उन्हें गिरफ्तार कर लो। हेटी छेती भी कह दिए सर, दरअसल इस डायनामाइट दा फलीता जरा लम्मा है। बस ऐ समझ लो कि अग ला दिती है ते कुछ दिन बाद सुनोगे कि एक धमाका होया ते दारा फीती फीती हो गया। हाँ, फीती फीती। अच्छा सर, हुण मैनु इजाजत दियो, मैं चल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाओ ओए, शेर अफगन दी पांजी आसमानू लाइन ते ले आओ। मैं तेरे हाथों के टोटे कर देंगी। बस दे पंजे चो शिकार कौन आई है? नहीं, बिल्ली चूहे दी तोड़ वेखन आई है। फायर! Yeah.
मेहरबानी पैना तू साड़ी इज्जत बचाइए। सिर्फ शिकार नु पैन आला पंजा बदलिया है। हेलो शहरी तू कला शिकारी नी दारिया असी भी रहने हां। कौन है तू? पूछा अपनी आसमां करो जेरी मेरे बंदियां करो कुड़ियां खो के ले गई है लखा का छुरा बजे है मैनू। अच्छा मैं भी ओहो ही कारोबार करना तारिया। की मतलब? मतलब तू नहीं दल्ला मैं नहीं दल्ला दोवे कुड़ियां सप्लाई करने हैं वो भी बाहर दे मुल्क च। हैरत है? मेरे जिस प्राइवेट फोन दा मेरे पियो नु नहीं पता उदा पता तेनू कैसे लगा है? कुत्ते नु हनेरे च भी हड्डी दी खुशबू आ जांदी है दारिया। जे फोन दा पता लग गया ते फिर फरा भी कर देंगा दारिया। हेलो 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 एक एक कमीना बड़ी मुश्किल बर्दाश्त करना इन्ने सारे कमीने किने बर्दाश्त कर सकना वा। वेल डन आसमा मेरी जंगली बिल्ली इंटरनेशनल दली वेल डन वेल डन। जदों तक तेरे वर्गे इंटरनेशनल दली साडे नाले साडी मंडी कदी वीरान नहीं हो सकती जंगली बिल्ली। थैंक्स खुदा तेरा बेड़ा गर्क करे। खुदा नु होर भी बड़े कम ने बल्लो तोखे बास तू औरत नहीं औरत दे नाल एक गल ही एदा मतलब है मैं मुकम्मल दल्ली हां। नो डाउट तू मुकम्मल है जंगली बिल्ली। अपने मुकाबले ते उठन वाले उस दल्ले गैंग दा तू ठीक मौके ते मुबल कीता है। मैं साबित कीता है कि एक जंगली दो शेर ते एक शहर च दो शिकारी नहीं रह सकते। हाँ बिल्कुल ठीक है दी सर। जंगली बिल्ली जदों भी कोई वारदात कर दी है तो उस वारदात दे निशान मिटा देती है। वैगन भी चोरी दी माल भी चोरी दा काक हाजर ने सर बोलियां सुनते जाओ ते सौदा डन। बड़े फटे कमीने ने चेहरा तकना नसीब ही नहीं हुंदा। ज़रीना मेरा हर काम तेरी किस्मत नु बदलन लई ते मेरा हर सफर तेरे सुखा लई है। वीरा तू एथे किवें? वीरा मैनू इन्हां बेगैरतां ने वेच दित्ता है मैनू इत्थों लै चल। ए ते आप इस हमाम विच नंगा है। ए कमीना ते
ਇਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਪ ਦਲ ਹੈ। ਅਸੋਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੈਂਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਰੁਪਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਮੌਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਰਾਏ ਫਰੋਖ ਦੀ ਪੱਟੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਵੇਚ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਰਾਏ ਫਰੋਖ ਦੀ ਪੱਟੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ। ਬਰਾਏ ਫਰੋਖ ਦੀ ਪੱਟੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਯੈਸ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਬਰਾਏ ਫਰੋਖ ਦੇ ਪੱਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੈਪਟਨ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਅਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰ ਕਿਧਰੇ ਕੈਪਟਨ? ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲੀ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਦਿਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਵਾਹ, ਬੜੀ ਦਲੇਰੇ ਕਮੀਨੀ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਖਰਕ ਕਰ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਲਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾ, ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ। ਸੌਰੀ ਮੈਡਮ, ਆਮ ਸੌਰੀ। ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪਰ ਕੰਧ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਾਲ ਲਈ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੁਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੀ।
नहीं जंगली बिल्ली नहीं, कुछ दरख्त ऐसे भी होंगे ने कि उन्होंने कट दिता जाए तो एक दी थां ते चार चार पैदा होंगे ने। ऐस कमीने नू मारना नहीं, इनू बचाना है, इनू कत्ल नहीं करना, कानून तोड़ने कानून। जाओ कमांडर नू कहो हैबत खान बन के उदे इलाके पहुंच जाए, हजार दे हर शरीफ तो इन्ना टैक्स लवे, इन्ना टैक्स लवे कि उन्हों का जीना राम कर देवे। बदतमीजी किन्हें की जिन्हें तुम तुंडिया करके जाओ। बाजार की एक एक दुकान के सामने लंघेगी, जिन्हू जिन्हू अपनी जान प्यारी है अपना माल है सरेड़ी च रख दिया, जिदी जेब एक आना भी रह गया वो जुस्से जान नहीं रवे। आई जे वापस नहीं किया, तू चूड़िया देके की सोच के नाल तुर पई है। इसलिए कि मैं यह जानी हाँ हमने कुछ देर बाद इस श्रेणी ने खाली हो जाए। यह अनहोनी इस बाजार च आनी है कि अपने जहां चुप करके चलता रहो, हमने दुध का दुध ते पानी का पानी हो जाए। फिर तो मैं तेनू भी खरबूजे वांगू इस श्रेणी से रख के नाल ले जावांगा। मैं रेड़ी छड़ना वेखना कौन दकदा। रेड़ी रुक गई, पकड़ा हो जा, हम खाली होने लगी। जिदा जिदा माल है अपना अपना माल चुक लाओ। इस बीमारी का असल इलाज पास किया। क्योंकि एस्प्रो दी गोली है ओए, मैं एस्प्रो दी टिक्की नहीं ओए, तेरे जे बदमाशा ले जहर का टीका वा जे लग गया ते तौर पर हो जाएंगे। सब तो पहले रब की कसम खा के कहो जो कुछ करेगा सच करेगा। ओए सच नू तू वेख लिता है ते झूठ नू मार दे। मैं कभी झूठ ते नहीं मारिया, अलबत्ता हो जिया झूठा हमेशा मारता रहा वा। ओए तेरे से मेरे सिर्फ इन्ना ही फर्क है झूठे मदारिया, तू बाजार लुटने ते मैं तेरे वर्गे बदमाशा का मक्कू ठप देना। तेरी पटारी च इन्हें कोई सप नहीं या कुछ और भी ने जोगिया एने रोगिया। ए रेड़े उत्ते सिर्फ वो बंदे सुतंगे जिन्होंने माल चुकिया ते जिन्हें चुकवाया है मैं सुता। ओए तेरे बदमाशी ऐसी दी त्यासी ओए ओ फैर ओ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ। इंसाफे के लड़न वाले हर आदमी नू हथकड़ी लग जाए, शायद इसलिए कोई शरीफ आदमी कानून का साथ नहीं देता कि शरीफ हट चुके तो उन्हें बदमाश तो पहले हथकड़ी लग जाती। दसो इन दोवां चो लड़ाई की पहल किने की थी सी? साहब जी ए गुंडा, मैं माफ कर देना साहब जी, ए गुंडा बंदे लेके टैक्स लेने आया सी, शेरे ते दिलावर ने इन्हू रोकिया ते टैपलास हो गई। क्यों है? ए तै बटा बिल्कुल ठीक कह रही है इंस्पेक्टर साहब, तो झूठ मैं भी कभी नहीं बोलिया, तो तुसी भी सुन लो। हुण आया ते रेड़ी ते माल दे नाल नाल इन्हां दोवां यारां नूं भी नाल लैके जावांगा। बस ऐ वेला ते आंदे एहो जन तारा करंगा के तेरियां आण वालियां सत पुश्तां भी याद रखणगियां। बस ऐ ओ वेला मैं आण ही नहीं देना, मेरा नाम इंस्पेक्टर आदल है, इतने तू शराफत का पहरा दिता इसलिए कानून तेरा शुक्र गुजार है। चलो अगे लग चल दे बदमाशियां करन। मेरे F16 तो पूरा बाजार देख सकते ने, तू की शह है? तेरा सत्यानाश F16 सजना इस्तेमाल करी देने। वाकई सानू अपना समझना है? असी तो समझने हाँ, पर तेरे ते कदे कदे शक जरूर पै जांदा है। मेरे नैना तो स्टाम रखा ले कुड़ी तेरे दा लग गई, मेरे नैना तो स्टाम रखा ले कुड़ी तेरे ना लग गई, उत्ते बुलिया दी मार हुआ ले कुड़ी तेरे ना लग गई। प्यार जानी सारी मैं जिंदगी
ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰ ਕੈਪਟਨ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ? ਓਏ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇਂ। ਉਸ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ, ਕਿ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਓਏ ਜੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਦਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਸ਼ੇਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਗੈਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰੇ ਇਸ ਹਾਲ ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰੂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰੂ। ਐ ਵੇਖ, ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ, ਜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਪੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੇਰੂ। ਮਰ ਗਿਆ। ਓਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰਾ ਭਲਵਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਹੈ ਬਦਹਾ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਦਮਦਾਈ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇਕਲੌਤੀ ਵੈਗਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੈਗਨ ਤੇ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਓਏ ਬਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵਹਾਣ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਓਏ ਬੱਕ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਗਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਸੀਨਾ ਦੋਰੀਏ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਗਨ ਆ ਗਈ ਏ, ਪਹੁੰਚੀ ਵਹੀਂ ਪੇ ਖਾਕ ਜਹਾਂ ਕਾ ਖਮੀਰ ਥਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਓ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ। ਓਏ ਵੈਗਨ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂ। ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦਿਆ? ਲੈ ਬਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਡੈਂਟ ਕੱਢਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਲੈ ਬਈ ਪੁੱਤਰਾ, ਡੈਂਟ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੱਸਣਾ। ਬੋਲ ਓਏ। ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਥਾਣੇ, ਤੇ ਵੈਗਨ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ। ਪਰ ਚਾਚਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆ, ਵੈਗਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ, ਪਹਿਲੇ ਵੈਗਨ ਥਾਣੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜੰਬੋ ਜੰਬੋ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਪਰਦਾਰੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੈਗਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੀ, ਜੰਬੋ ਜੰਬੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਚਲੋ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਵੈਗਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੋਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਗਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਉਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਸ਼ੌ
नौकर तारा बन के ऐश शहर जंबो जंबो कर रहा है ते सिर्फ इसलिए के रब ने उन्हु मेरे जिया शेर पुत्र दिता है जिड़ा हर वेले वाओ 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 करता है। साबे मेरी बदकिस्मती है कि वैगन आदर ने अपनी वैगन पहचान ली सी। कमाल हो गया है प्यू मैनू नहीं पहचानता मैं प्यू नू नहीं पहचानता ते तेनू वर्कशॉप वाले ने पहचान लिता है। साहब मैं तुम्हारी बड़ी खिदमत की है प्लीज मैं माफ कर दो। ठीक है शहर प्यू का एक्शन बॉर्डर ते साडा एक्शन ओएस एक्शन एक्शन इच तेन माफ कर दिया। चलो ठीक है जा नस जा ते जंबो जंबो करता दौड़ जा जा। तुसे सच कह रहे हो ना तेनू यकीन नहीं आया। अच्छा मैं कलमा पढ़ना वा मैं तेनू दिजियूं दिजियूं दिजियूं। अच्छा मैं मुंह फेर लेना वा एल चाचा जी गड्डी जो बड़ी सोहनी खुशबू आ रही है खेड़ी गड्डी है शहर के अमीर तरीन शेख शौकत की इकलौती बेटी परवीन की गड्डी है। खूबसूरत है इन्नी कू के उहदे जोड़ दा मुंडा लभण लई शायद शेख साहब अज तक नहीं लभ सके। अच्छा मगरूर है नक ते मक्खी नहीं बैण दिंदी ते जे किसी दिन को मक्खी नक ते लड़ गई ते फिर इन्नी सिर फिरी है कि अपना नक वड लेगी। इन्नी गैरत होंदी ते नहीं इन्हां लोकां दी चाचा जी पर तुसीं कहिंदे हो ते मन लैंदे आ। बरखुरदार सेठ शौकत दी ती परवीन दी गड्डी विच तू ऐ की कियामत दियां निशानियां ने पुत्र जी ए टांका किवें। बस चाचा जान एक दो बारी मुलाकात हुई पागल ही हो गई है बेचारी। अच्छा खुदकुशी दी धमकी देके मुलाकात ली बुलाया ससु जान गया ऐनक ते रुमाल तो फेच दे गई है कहंदी है जे तू मेरे नाल व्याह ना कीता आए ते कुछ खा के मर जांगी। मैं क्या पुत्र जी बेटा जी तुसी रोटी खादी है पांडे मांजे ने बौकर दिती है शहजादा सलीम जी। ओ चाचा जान भुखा ते नींदरा उड गईया ओ जा रही है जे काठी पतंग वर्गी लगदी है नींदर तेरी। मैं क्या बेटा जी अगर तुसी कहो ते मैं रियाज बटालवी साहब नु कह के खबर अखबार विच लुआ देआं। क्यों नहीं भावे सारी दुनिया दे अखबारां विच छपवा दियो इत्थे की फर्क पैणा। हाँ की फर्क पैंदा बस जरा बंदा बशर्म होना चाहिए भावे पाकिस्तान दे सारे अखबारां विच खबर छप जाए। शबीर जी बेगम साहबा अज दे अखबार पढ़ी की होया उस दो टके दे मकैनिक ने अज दे अखबार विच बयान दित्ता है मैं ओदी आशिक हां मैं ओदे लिए दो बार खाव और गोलियां खा चुकी हूं। ओदे ते दावा करो बेगम साहबा। नहीं इस तरह मैं होर बदनाम हो जावांगी ए कोई बहुत बड़ा ब्लैकमेलर लगता है हुण मैं एनू आप टकरांगी। हेलो वसीम साहब है ने जी चची जान चची जान की मतलब
सॉरी मैडम, यकीनन सेठ शौकत दी धी का फोन है, लगता उन्हें अखबार खबर पढ़ ली। हेलो, यस वसीम स्पीकिंग। मैं स्टार लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दी एजेंट हाँ। तुहाडे कीमती वक्त चो 5 मिनट मिल सकते ने? क्यों नहीं, जरूर जरूर, मैं कोशिश करांगा, तुसी आ जाओ। आवांगी ते एहो जिया लग पते जानगे। ओए आ कौन सी? ओए ओए कहंदी अपनी सूरत नहीं विखाएंगा ते मर जावांगी। की करा यार, टाइम देना पै गया, तू बाहर चल के खलो। आ रही? पर कौन आ रही है? ओए ओए सेठ शौकत दी करोड़पति थी परवीन यार। परवीन? चाचा वो तेरी फ्रेश नू रक्षे चाहिए हूँ। रक्षे चाहिए? तेरा मतलब है प्यो तो चोरी आई है। वसीम साहब किथे ने? बैठे खूह च, बड़ी बेताबी नाल ताडा वेट कर रहे ने। ए उधर जे खूह जाओ, डिगो जाके जाओ। खैर नाल ना सलाम ना दुआ। वसीम साहब किथे ने? वसीम तोड़ा ना है? पुछन दी की लोड़े, असली तो दफ्तर ते दिल दे दरवाजे तुहाडे लई खोल के बैठे हैं। चाची जान। चाची जान? मैं तुहाडी चाची जान नहीं, इंश्योरेंस कंपनी दी एजेंट हां। माफ करना मेरी जरा आदत है, तुसी बुरा ते नहीं बनाया? काफी दिलचस्प आदमी लगदे हो। आदमी 40 साल तो उत्ते जाके हुंदा है। मैं ते एक मुंडा वा तुहाडे आण दा। सेठ शौकत दी धी नाल भी तुसी ऐसे तरह शरारतां करदे हो? शौकत दी थी। तुसी जवाब नहीं दिता? सेठ शौकत दी थी। और मैंनू दसो जी मैं की करा, मैंनू ते हर घंटे बाद कोई ना कोई कुड़ी खुदकुशी दी धमकी देंदी है, और मैं किन्नू किन्नू अपनावा भाई। ते सोहनी सूरत होना भी असाब है, जिधरों लंघ जाना 4-5 कुड़ियां गश खा के डिग पैंदियां ने। पर इस सारियां गल्लां तुसी क्यों पूछ रहे हो? जी इसलिए कि मैं सेठ शौकत दी धी दी इंश्योरेंस करना चाहनी हां। अच्छा अच्छा अच्छा, तुसी सिफारिश करवाना चाहते हो? जी हाँ, कोई गल नहीं, तुसी मेरा नाम लेना, 2-4 करोड़ दी इंश्योरेंस करवा लेंगे, नो प्रॉब्लम। बड़ा शोखा ते बड़ा झूठा लगता है। की सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं हुण इजाजत चाहवांगी। तुसी फिक्र ना करो, मैं तुहानू अगली मुलाकात दा वक्त भी देंगा। अगली मुलाकात एहो जी होवेगी कि तुसी याद रखोगे। की मतलब? मतलब है कि सेठ शौकत दी धी दा नाम ते दस दिओ। उहदा नाम परवीन। परवीन 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 परवीन। कुड़ी दा नाम परवीन, एक कुड़ी दा नाम परवीन, हो बड़ी अथरी ते रज के हसीने, जदों प्यार नाले जदों प्यार नाल पीनो पीनो कहना वा, पिछा छड़ दी नहीं बचदा मैं रहना वा। एक कुड़ी दा नाम परवीन, हो बड़ी अथरी ते रज के हसीने। हाय पीनो ओ पीनो, हाय पीनो, हाय पीनो ओ पीनो, हाय पीनो। Go!
रे पापा मारे पारे पापा रे पापा चली मैं बड़े तुसी बेदर्दी फोन जान के मैं फोन जान के मैं बंद कर लेना वा पिछा छड दी नी बचदा मैं रहना वा एक कुड़ी दा ना परवीने बड़ी अथरी ते रज के हसीने हाय बिनो ओ बिनो हाय बिनो हाय बिनो ओ बिनो हाय बिनो जमया पैना बड़ा फतूर पेके कल दांगा पेके कल दांगा मैं सच के नवा पिछा छड दी नी बचदा मैं रहनावा एक कुड़ी दा ना परवीने बड़ी अथरी ते रज के हसीने जदों प्यार नाल पीनो पीनो के नवा पिछा छड दी नी बचदा मैं रहनावा एक कुड़ी दा ना परवीने बड़ी अथरी ते रज के हसीने हाय पीनो ओ पीनो हाय पीनो 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 कैप्टन की सोच रहे हैं कैप्टन सोच रहे हैं कि किन्ने मजबूर आसी कि माजी तो सबक नहीं सीखते मुस्तकबिल दी सोच नहीं सोच सकते डुबण वाली किश्ती नूं लभण वाले अक्सर किनारा गुआ बैंदे ने कैप्टन समझ लै तेरी भैण दे मुकद्दर च इहो कुछ लिखिया सी असी किताब आ कैप्टन कलमदारे दे हाथी जे जो तहरीर करदा जांदा है सानू तकदीर समझ के कबूल करना पैंदा है खबरे मेरा दिल क्यों कहंदा है आसमान कि मेरी किताब दा हुण
कोई सफा खाली नहीं लिया। कुछ लफ्ज एहो जे भी हुंदे ने कैप्टन जेड़े सिर्फ दिल की किताब ते लिखे जांदे ने। मेरा दिल कहंदा कैप्टन तेरे दिल की किताब दा हले हर सफा खाली है। कैप्टन। यस बॉस। कुछ पता लगा है कमांडर नु दखा पाण वाले दा जोग्राफिया की है जी? ते फिर हले तक ओदे नाल साडी शान दे मुताबिक सलूक क्यों नहीं होया? ए सलूक सारा शहर वेखेगा। हसोए सिरख किते वे जवाब कहो चाहिए कयामत नाल देना तेनु इथों लेके उथों तक दसंगा कुत्ते जितों तेरे पालन ने तेरी डोर खोली है। खबरदार होए ओए हुण जंबो जंबो ना करना। मेरा मतलब है नो फाइट। जाए मेरे खिलाफ दे कत्ल दा पर्चा लिख ले। मेरे घरों जे जिंदा वापस नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बाबा? ना गुस्से हो यार, मैं भूल गया सा कि मैं तेरा कुछ नहीं लगता। बाबा पुत्र तेरा जज्बाती होके जंबो जंबो कर उठिया। मैनु ए दस बुढ़िया तेरा इस हुंडे नाल वैर की है? ऐ ते एहो ही बदमाश दस सकदा है। क्यों है? ओए जमानत करा के दसंगा ते सरेआम दसंगा। कानून दे सामने जंबो जंबो चल। आ बाबा जी जरा थाने आके बयान लिखवा दे। फिकर न करो तुहाडे नाल पूरा पूरा इंसाफ होवेगा। इस खुंडे दा इहो जिहा हशर करांगा कि मुड़ के कोई बेगैरत किसे गरीब दे बूहे ते टक टक नहीं करेगा। चलो तुसी भी आओ बाबा जी। चलो सोना पुत्र। अबू जी मेरा सोना पुत्र। अस्सलाम वालेकुम। ए जे 14वीं सदी प्यो पुत्र बन गया ते पुत्र प्यो बन गया। ए जे दुनिया दे सब तो बड़े दो कमीने महाकमीने ए हुण तुहानू वक्त दसेगा। वक्त हमेशा साढ़े पैर इच रहा है। आज प्यू ले आया वा कल पुत्र ले आवांगा। फिर कोई कुत्ते दा पुत्र। कुत्ते दा पुत्र जंबो जंबो। वाह लोया वाह। तेरी मां ने ते तेरे जमदे मैनु दस दिता सी के ए वक्त तो पहले जमण आला सत माया वक्त दी वाघ हमेशा अपने हाथ च रखेगा। तारीफ करन दा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे फीके पुत्र। थैंक यू पिताजी। मैं जदों दा तेरे कार जम्मिया बस सिर्फ जंबो जंबो हो गई है। ओए जालमो ओए ऐ ते दसो मेरा कसूर की है? तेरा कसूर है वे कि तू बिल्कुल बेकसूर है। Thank you.
कसूर मेरे कदमा ही चार डिगा है। होया इनू पूछ ए बच्चा कौन है। ए जंबो जंबो ए शेरा सरकार ए मेरे को किसी की अमानत है। इनू कोई जालम अदम होया करके सुट गया ते मैं चुक लिता पर हुण तेरी लाश चुकन कौन आवेगा। स्टॉप कैप्टन। नहीं ओ तेरा नहीं मेरा शिकार है मेरा। कैप्टन ए ठीक कहंदा है कुत्ते नु वड्डन लई कुत्ता ही चाहिदा है। कुत्ता कमीना सिर्फ भौ भौ करदा है ए जंबो जंबो करदा इन्ना सारी फर्क है। इनू ले जाओ इदा फैसला अगली पेशी ते करांगे। सेक्रेटरी यस सर। जंगली बिल्ली नु कबो के बड़े बड़े अफसरां नु तुमका लगा के अदावा बखा के कमांडर नु जेलो बाल ले आरदा। जंबो 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 Thank you.
थर्ड क्लास काम शुरू कर दिता ही। की गल है जेल आंदे फकीर हो गया फुकरिया। जेल विच हर रात एको ही हिसाब करदा रहा वा के तू मेरे कोलों किन्ना माल खोया सी, या जो माल मैं बाजार वाले कोलों नहीं वो तेरे कोलों डायरेक्ट वसूल करांगा। जकात चाहिदी हो ते जकात कमेटी का चेयरमैन अगली गली च रहिंदा है। मेरे को तेन छड़कना भी नहीं लभना काका। तू गलत बंदे का राह डक लिया। मैं कि शहजादा चार्ल्स का राह डकिया है? हाँ गल सुन भाई, जे तू मेरे माल की वसूली न कराई तो मैं तेनू कुकड़ बना के ओदे उत्ते मल्ले दे गंदे बाला नू बिठा के तेरिया बांगा कटा देनिया ने, फिर तू की करेगा? जे तेन कोई कनों फड़ के तेरे गल पटा पा के लै जाए ओदा की इनाम है? इनाम इनाम तेन इस शाही फकीर ने की देना है? एनू पता पाएगा ना इनाम ते असी तेन देंगे दिल भर जानी। ओ तेरे दिलबर जानी नू मैं इनाम वसूल करन जोगा छड्डांगा, तेनु इनाम देवेंगी ना पंभीरीए। ओदा इनाम है वे, सब तो पहले ते मैं ओनू मारना ठुट्टे, ओदे बाद मैं ओदा काला मुंह करके ओनू बिठाना खोते उत्ते, बाकी वट्टे ते जुतियां ते ओनू मुफत च पै ही जांदियां ने, ओदा ते कोई हिसाब ही नहीं। कद तो वड्डी जबान रखना ते वजूद तो वड्डा दावा करना कुफर है। एदी सजा मैं तेनू जरूर देंगा।
इलाके च कतलो गारत करन दी तेनु जरूरत किस तरह हुई? साहब बहादुर, ए इलाके दे ओ आवारा कुत्ते ने जिन्हां नु पटा पाणा मेरा फर्ज सी। बकवास बंद कराए, इन्हां नु पटा पाणा तेरा काम नहीं, कानून दा फर्ज है। गिरफ्तार कर लो इन्हू। मुबारक ते मैं उस दिन लवंगा जिस दिन तेरे हत्ता इस हथकड़ी होवेगी। ताड़ा एक ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, पर ताड़ा एक ख्वाब पूरा हो गया है। ताड़ा एक पुत्र जिंदा है। मेरा पुत्र जिंदा है? किथे पे हो? ताड़े सामने खैर नाल जिन्हें परे बाजारे बंदे कतल किए ने। इलाका भी ताड़ा है, पुत्र भी ताड़ा है, इंसाफ भी ताड़ा है। देखना ए वे कि वक्त ने जड़ा पर्चा मुंसिफ के सामने रखा है, मुंसिफ उदे चो किने नंबरा तो फेल होता है। कदी ना बोलिया कर अब्बा के सानू गोली दे आर्डर ने ते पूरे सूबे दी पुलिस सानू लब रही है। शेरफ गंदिया कसमा नू कानून कदों तक झूठा मनेगा? तू भी इन्हें बोलिया कर पुत्र कि साड़ी असलियत तू रब दे सिवा कोई नहीं जानदा। डैडी मैं अपने सहेलियां नाल पिकनिक ते जा रही हूं। तेनू किन्नी वारी आखिया है कि बाहर जाने दे प्रोग्राम ना बनाया कर। ते नाले तेनू ए भी पता है कि जदों तक असी पैर दा चेहरा ना वेखिए साडे लई सूरज नहीं चढ़दा। पर असी ते अपनी बेटी दी पेड आ। जा बेटी, जदों तक तेरा दिल करे जिथे तेरा दिल करे टुर जा। थैंक यू। तेनू किन्नी वारी आखिया अब्बा कि जवान तीनू एनी खुली छुट्टी ना दिया कर, नहीं ते किसे वेले भी एदा जंबो जंबो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तू ओदी फिकर ना कर पुत्र। आजकल मेरी ते कानून दी जंग रूज दे, ए जिन्ना भी दूर रवे उन्ने ही बेहतर। तू अपना मुद्दा ले ते बार्डर ते जाने वाली गल कर। तेरे मुल्क दी आखरी अद ते आ गई है जालमा, पर तेरे जुल्म दी आखरी अद कदों मुकनी है? जदो इस मुल्क च साडे आखरी दुश्मन ने आखरी साह लेना है। पर मैं ते तुहाडा दुश्मन नहीं हैगा। ऐसे लई ते तेनू माफ कर दिता। जा दौर जा, तेरा पुत्र तेनू उड़ीक रहा है। जा उहदे नाल जंबो जंबो करदा सौ जा। जा, बहुत शुक्रिया। मैंने अपने बाबे का कातल चाहिए थानेदारा, नहीं ते थाने तो लेके बॉर्डर तक लाशें लाशें बिछा देंगा। बस बंद कराए, ले चला इनो। ए मेरे पीछे ना आई, नहीं ते तेरे थाने नु बॉर्डर बना देंगा। हलो इनो। Yeah.
ले भी मेरे तो बाद जेड़ा इस मुल्क का सब तो बड़ा कानून दान होगा वो मेरा सब तो बड़ा पुत्र होगा। चल आए मैं तेरा कानून किची किची कर दे अपने कागज लिख ले मैं तो कानून शिकना कानून शिकन कानून शिकन अगे नाक वड्या सूर में आ मुकद की कार्रवाई को आगे बढ़ाना अब आपके हाथ में है। शायद ये अपनी नौयत का वाहद वाकया है जिसके चश्मदीद गवाह भी आप और मुंसिफ भी आप हैं। यह अदालत तुम्हें सरेआम इंसानी खून की होली खेलने के जुर्म में जेर दफा 302 ताजीरात पाकिस्तान सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। देख लो बिल्कुल अपनी भैन जंगली बिल्ली वांगू कमीना है। एक सेकंड ही पुछल ते खलो जांदा है ते फिर खलो ही जांदा है। ए लावा अक्सर फट पैंदा है किधरे अपनी आग विच आपे ना छड़ जाई। पहली बारी मेरे सामने आने वाला शिकार किसी होर ने खोल लिया कबूतर नु अपीला कर करके शेर नु बाहर ले आवे नहीं तो मैं तारे नु मार के शेर तक पहुंचावांगा। वाह भाई वाह सारे तू बाहर अगर कोई जंबो जंबो कर सकता है तो तू है। ओए मस्का नाला मैंनू शेरा ले आ दे शेरा असी ते हुण सीज फायर कर चुके हैं हुण ते असी सिर्फ जंबो जंबो करांगे। आ आज वड्डे लोका दी दावत है एथे तारे दी दहशत वेखना है ते उथे शौकत दी शान वेख तेनू पता लगे जंबो जंबो किवे करीदा। जा जा मैनू कल्या छड़ दे चली जा चली जा चली जा चली जा चली जा इथों। एथे कम करन वालेयां दे आपस इस ते कोई रिश्ता नहीं पर तेनू वेख के अक्सर सोचनी आ काश तू मेरा रिश्तेदार हुंदा। कोई मेरा रिश्तेदार नहीं ना मैं किसे दा रिश्तेदार हां मेरे घर च जदों वे ओ जे शुरफा दी महफिल जमदी है शेर अफगन दी कमी बुरी तरह महसूस करना वा ते मैं अपने थाने दी अवलात च जज शेर अफगन दे दुश्मन तारे दी कमी बड़ी शिद्दत नाल महसूस करना वा। इंस्पेक्टर तेरी काबिलियत विच मैनू कमी लगदी है वरना हुन तक दारा तख्ते दार तक पहुंच जाना चाहिदा सी। जेड़ी मच्छी कानून दे सब तो वड्डे ऑफिसर दे फॉर्म विच पल रही होवे आईजी साहब ओनू कुंडी पाके मैं किस तरह शिकार कर सकना हूं। की मतलब सर ताड़ी इस महफिल च बैठी हुई इस शहर दी सब तो शरीफ ते बासर शख्सियत शौकत दा दूजा नाम तारा है। शट अप मिनिस्टर साहब। सर मैं जानना एडा कौड़ा सच बोलना जुर्म है। बकवास बंद कर। ये बकवास नहीं हकीकत है सर ये शौकत ही तारा है ते तारा ही शौकत है। जानना इंस्पेक्टर सेठ शौकत इस मुल्क दा शरीफ शहरी शरीफ शहरी जिदे मोड़े ते ताड़े जे वजीर एहो जे एमपी एहो जे एमएनए ते आईजी साहब वर्गे वड्डे बंदियां दा हाथ होवे ओनू साडे वर्गे छोटे लोग शरीफ शहरी कहन ते मजबूर ने सर मजबूर ने। ए ना पर इंस्पेक्टर सेठ शौकत
इस मुल्क का सब तो अमीर तरीन शख्स है। दूजे मुल्क का जसूस बन के मुख्तलिफ शहर धमाके कराने वाला, मजहब के नाते लोगों आपस लड़ाने वाला, हीरोइन बेच के घर घर मौत वंडन वाला, मुल्क दिया कुड़िया बार्डर पार बेचने वाला, क्या इस मुल्क का अमीर तरीन शख्स नहीं होगा? तो आप ही दस इंटरनेशनल दल्ले। सर, ताड़ी मौजूदगी मेरे जैसे शरीफ इंसान थे इन्ने खौफनाक इल्जाम। सेठ शौकत ते लगाए गए इल्जाम का कोई सबूत? सबूत सर, जज शेर अफगन का बयान एक बारी फिर पढ़ो। उन्होंने शख्स नु जुर्म करदिया तकिया, कानून का मजाक उड़ांदिया सुनिया। इस शख्स ने उन्हां दी बीवी ते भैण नु उन्हां दी अखां दे सामने निलाम कर दिता। इहदी फाइल दफ्तर दाखिल अज तक सिर्फ इसलिए कि इहदे घर ताडे वर्गे वड्डे लोग दावतां खाण आंदे। तुसी ये सप दे सिर तो अपना साया चुक लो तो फिर वेखो मैं सप नू पिटारी च बंद किस तरह करना। मिनिस्टर साहब, इंस्पेक्टर आदिल दे गल विच बड़ा वजन लगता है। जे गल है ते असी आज तो सेठ शौकत दा सोशल बाइकाट कर। अज तेनू कल्या करके छट चलिया, पर याद रखी मुड़ के आया ते नाल लेके जावांगा। सर, ए ते सारे अफसर नू कमीना कर गया ते आप चला गया। कोई गल नहीं सेक्रेटरी, फर्क सिर्फ इन्ना पिया है, पहले युद्ध इनडायरेक्ट सी और मामला डायरेक्ट हो गया। बचपन तस्वीर ले आए, वो तस्वीर वाला कितने ही लबा नहीं, पर मैनू इंज लगता है किधरे बैठा साड़ी इज्जत नाल जंबो 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 दे पुत्र इदा पियुक थे। वर्कशॉप वाला कहता सी ए मेरा नहीं हराम दा है, मेरा मतलब है वो कहता सी मैनू किधरे डिगिया होया मिला सी, मैं ते सिर्फ इनू पालिया है। ए शेरव गंदा पुत्र, शेरव गंदा, इनू यार कीमत दे चाहिदा है, हर कीमत दे चाहिदा है, कुत्ते दे पुत्र। जी अब्बा जी, ठीक है। Do-d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 o
मुंडे दा नाम वसीमे झूठा रज के ते थोड़ी जई तली में हाय वसीमा वसीमा हाय वसीमा हाय वसीमा वसीमा हाय वसीमा थाना तो नहीं है जी बना दे थाने विच भी यही कुछ होंदा है इत्थे भी यही कुछ होगा ओ जी मेरा कसूर तो दसो जनाब एको इंटरनेशनल कसूर है तेरा कि तू अपनी औकात तो उच्ची शानो शौकत रखने वाले शौकत की बेटी नाल इश्क कीता है मैं कल्ले ने तो इश्क नहीं किया चाचा जान मेरे ख्याल ना वो भी इश्क करन लग पई जे उन्हें सिर्फ इश्क कीता होना है ते तू नाल जंबो जंबो भी कीता है शेर अफगन स्पीकिंग तेरे लिए कुछ खबरी है शेर अफगन तारिया तो हां शेर अफगन मैं तेनू मुबारक होवे मेरी थैली च एक और बिल्ली आ गई है के मतलब मैनू तेरा दूजा पुत्र भी मिल गया है मेरा पुत्र हाँ पर सब तो छोटा मिल गया है किथे वे मैं उन्हें मिल सकना वहां हाँ हाँ क्यों नहीं पहले इंस्पेक्टर आदिल को मेरी फाइल बंद कर देवे वो कह दे दे कि मैं चीफ अखदारा ग्रुप नहीं इदे बदले तेरा वड्डा पुत्र भी फांसी तो बचा सकना वा शौकत उमर ने मैनू कमजोर जरूर कर दिता है पर मेरा ईमान आज भी मजबूत है जेड़ा सौदा मैं 20 साल पहले नहीं सी कीता वो आज भी नहीं करांगा नहीं करांगा नहीं करांगा
जदों नूं इह दसांगा कि उहदे पांजे नूं मैं कमांडर बना दिता है। जे कमांडर नूं किसे ना किस दिन इस गल दा पता लग गया कि उहदे प्यो नूं तुसां ही कतल कीता है ते फिर इस जुर्म च उहदी भैन दी इज्जत उहदीआं अक्खां दे सामने मेरा पुत्तर लुटेगा। की होया प्यो दे कतल तो लेके ओदी कबर तक, ओदी कबर तो लेके मेरे मामे दी कुर्सी तक, मासूम नू मां दी जन्नत विचों कट के इस दोज़ख विच सुट्टण तक तेरे जुल्मां दी दास्तान शायद छोटी हो जाए पर इना जुल्मां दा हिसाब बहुत लंबा होवेगा। दस मेरी भैन कितने, बोलो उस पाकीज़ा रूह नू तू केड़ा रूप दिता है, बोल। पहला कि तेरा पुत्र मेरी भैन वल हाथ बधाए, मैं उन्हें पिघला के पानी पानी कर दियांगा। वाह, हुण आया जे असल कमीना। जंबो जंबो ओए चोरियो, ओए पिंजरे विच बंद होके इस भुचाल विच होर थथली आ गई है। हुण सांस सोच सोच के ते गिन गिन के लवी एनी आसान मौत ओनू मारी दे जिस कमीने ते तरस आ जाए। ए तेरे सामने अटियां रगड़ रगड़ के मरेगा। मैंने ऊंची आवाज दत कुड़ियां सप्लाई करने वाली इंटरनेशनल गली जंगली बिल्ली एदी सक्की भैण है तोरिया। हले ते असी उदे उते पराए सिरोग दी पट्टी ला रही है, पट्टी लग गई फिर ते तेरी गैरत जंबो जंबो। अज तुहाडी ते साडी सारी कमीनगी दे पोल खुल गए ने। करे दी बच्ची करे चो बाहर किवें जाएगी, जे आपे पिंजरे च ना आई ते असी इहदे भरा नूं जंबो जंबो। मेरी फिक्र न कर आसमां, मैं शेर आ ते पिंजरा तोड़ के भी बाहर आ जावांगा। तू अपनी फिक्र कर, मार देना नू यहां पर जा मर जा। नहीं बहन सदके नहीं, एक कुत्ता इन्ना कीमती नहीं के इनू मारन लई तैनू मरवा दिया। तैनू अपने पावां च लेके एक बारी बहन कह दे मैं समझ लांगी, मैनू मेरे सफर दी मंजिल मिल गई है। मेरी बेटी, मेरी बेटी। बदकिस्मत शेर अफगन, पांजी दिख जाएगी, पांजा असी मार देंगे ते पुत्र पुत्र अज फांसी लग जाएगा। फांसी मौत दा ए मंत्र वेखण दा शौक भी नहीं ते चाहते भी नहीं, पर कानून दी दित्ती हुई सजा ते अमल करना मेरा फर्ज है शेरिया। दुख इस गल दा साहब बहादुर के खड़ाक दिन दे चानण च करदा रहा वा ते सजा रात दे हनेरे च मिली।
जनरल साहब, इस फाइल शेरे की रिहाई के ऑर्डर ने हुकूमत ने इसकी सजा माफ कर दी। ये सर मैं ठीक कह रहा, इसलिए कि शेरे ने जिन्हें बदमाशों को कतल किया हुकूमत बहुत अरसा पहले उन्होंने गोली के ऑर्डर कर चुकी थी। इन्हें आजाद कर दो। तैनू नवी जिंदगी मुबारक होवे शेरिया। जिंदगी तो भी वड्डी खुशखबरी तैनू होर देंगा शेरिया। उधर वेख शेरा, तेरा सक्का पियो। पागल पालिया।
साला बाद एक ही खुशी आई है ते वो भी तेरा पुत्र लेके आया है। दिल की तय उस मां दा शुक्रिया अदा करावा जिन्हें एहो जे फरशनास पुत्र जमे आए। काश आज दी चमन वाली होती। की ए तेरा पुत्र नहीं? नहीं मां, अज बिछड़िया नु मिलदिया तक है ते दिल ने फैसला कीता है कि दासी दिया किसे मां तो बिछड़ के मेरी चोली छाड़ गा सी हुन इस मां दी एक कोई दुआ है रबे नु इनु एदे बिछड़े मिला देवे। आमीन। ए देखो तस्वीर जैसा की गल है जैसा तुसी क्यों रो पे हो? पलती आते तो पानी पवे ते तू हाथे उठता ही पहना जिदी जुताई रो रो के अखा ने अथरू पखे सर वो सामने आया ते खच हड़ आ गया। लाला अगे वध के प्यो दी हिक नाल छेती नाल लग जा दल ताकि इन यकीन हो जाए कि पुत्रा की जोड़ी मुकम्मल हो गई है। की गल है अबाजी, खुशी तो इस मौके ते होर केड़ा दुख याद आ गया? तैनू सीने नाल लाया है ते तुहाडा छोटा वीर याद आ गया है छेड़ा इस वेले शौकत के कब्जे च। मैं शौकत के सामने कितना बेबस हां मैं तेनू दस चुका उन्हें ताड़ी मां मार दी मेरी भैन का खून कर दिता मेरा पड़वैया कतल कर दिता ना उन्हों ना कतला दी सजा सुना सकिया ते ना ऐ साबित कर सकिया क्यों शौकत नहीं तारा है। ना तारा रवेगा ना शौकत रवेगा ओदे कब्जे चपड़ा वीर भी ले आवांगा ते ओदी रूह भी कबज कर लवांगा। जे तू सेठ दी कुछ लगनी है ते उन्हूं उच्ची आवाज च दस के शेर अपने वीर नूं लैणा है। एथे उच्ची बोलन दी किन्नी खौफनाक सजा मिलदी है ऐ तैनूं साडे बंदे दसणगे।
ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਤੇਰੀ ਇਹ ਤੁੰਬੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਇਨਸਾਨ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੁਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਆਇਆ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰੋ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਓਏ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਦਲ छोटे भरावां दे लखां खोंदे ने लाला इनू माफ कर दे मैं तैनू अपने सारे हक माफ कर नहीं आदल ए उहना दा साथी है जिन्हां दे कब्जे साडा छोटा वीर ए तू पहले दस दिंदा ते मैं इहना पैरां ते तेरा वीर मोड़ दिंदा जा तू घर जा सेठ शौकत तेरा वीर लैके आप तेरे घर पहुंच जाएगा जा लाला तू जा जाओ शौकत दी ती ले जा ते उन्हें जाके कह दे कि जे उन्हें साडा छोटा वीर वापस ना कीता तो उदे बूए ते एक नहीं दो शेर आण के दो चाचा जान मैं ऐसा केड़ा जुर्म कर बैठा जनाब ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਵੀਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜੁਰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਾਬ ਵੇਖੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੁਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜੁਰਮ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਮੁਸਲਸਲ जंबो जंबो कर दारिया एवे जुर्मा दी कट तू कट सदा मौत रे मौत पर मैं अपने कमीने प्यू कोलो दरवाज करना के एनु माफ कर दिता जाए तेरी सिफारिश कबूल करने आ जा तेनु माफ कीता जी ये जंबो जंबो तो बच गया ते जा नस जा जे मैनु माफी करना सी ते इन्नी दूर आके अदालत लान दी की जरूरत सी ओए तू अमचूप ए तेर न गिन जा नस जा मैनु यकीन नहीं आंदा चाचा जान सी तेनु दिलो माफ कीता जा मेरा पुत्र तेरा पियो तेरा इंतजार कर रहा है जा इंसाफ वेख शौकत 20 साल पहले तेनू प्यू ने दारे दे रूप विच वेख्या ते आज पुत्र वेख रे ते पुत्र अपने भरा दी लाश नहीं वेख रिया ਕੀ ਆਖਾਂ ਜਿਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲਾਏ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
दुआ खैर से पढ़ो सुनिया मरण आले च बड़िया खूबियां सन रब इनू जन्नत नसीब करे आमीन। याद रखना मुल्क दुश्मनों मैं मर भी गया ते तुसी एक ना एक दिन किसे ना किसे दी गोली अगे जरूर आओगे। मैं ताड़ी गोली खा के भी शहीद कहलावांगा ते तुसी कुत्ते दी मौत मरोगे ते तानू मारन आला मुजाहिद कहलाएगा मुजाहिद। जो ने पुत्र मेरे हवाले करन तो पहले बेटी मंगी ते मैं उनू की जवाब देंगा। जे शौकत है करो चुप सकना वापा ते जिदे हवाले की तो वापस मिल आ सकना वा तू शौकत तो दे शौकत जो कहता है करता है। मेरा पुत्र लै आशीर अफगन अज तेरी अजमत तो भी सलाम करांगा। तू वाकई ग्रेट साबित हुआ है शेर अफगन के पूरा टब्बर तितर बितर करवा के भी बिया साल ना तू पागल होया ना हार मनी है। तू अपने पुत्र नु मिल ले मैं अपनी धी नु मिल लवा। धी तेरी तेरा बंदा ले जा चुका है। गल नहीं शेर अफगन ओ तेरी होने वाली नूह है। मैनू यकीन है मेरे मरण तो बाद भी उन्हें कोई दुख नहीं होगा। आ जा अपने पुत्र नूं मिल ले ते अपनी 20 साल जंग भी जीत ले। किथे है मेरा पुत्र? शौकत ना दा एक बंदा भी इस शहरी जिंदा नहीं छड़ांगा। नहीं नहीं जवाना नहीं ये कानून दा मुजरे में इनू सजा भी कानून देगा। दो टके दे एसपी जानना तू किदे नाल गल कर रहे शराब कुत्ते दा पुत्र। हले तक मेरे मुल्क च एहो जे इंसान पैदा ही नहीं होया जेड़ा कानून तू पाला तर होवे। जज साहब ऐ बेगैरत तारा एसपी साहब ऐ वो तारा है जिन्हों 20 साल तो ताड़ा कानून लग रहे है। तुसी फिकर ना करो जज साहब आज दूध दा दूध ते पानी दा पानी हो जाएगा। ये स्टाफ ते पहुंच जाए तुसी भी चलो जज साहब तुहाडे दोवां दा बयान जरूरी है। तेरा सक्का पांजा है ए
शौकत उर्फ तारे दा सका पुत्रा जंबो जंबो और पता लगाए एक बुरे आदमी दे कार उस तो बड़ा बुरा आदमी पैदा होया है। अच्छा जी ये उस थप्पड़ दा जवाब है जेड़ा मैनू मजबूरन अपने प्यू दे मुंह ते मारना पिया सी उम्रे उन्हें पाए जिन्हें तू वापस ले भी सके जे प्यो वापस नहीं कर सकिया जे पुत्र भी नहीं कर सकेगा तेरे कोल कुछ छड़ांगे ते देवेगा ना शेरू जंबो जंबो चला छोटे प्राण मारिया के किस तरह दुड़ा दुड़ा के मारिया अरे किना गबरू जवान सी अल्लाह उन्हों थे बड़ी अच्छी जगह दे दे आमीन अपनी पोपी जाग मिलना है हा शेर अफगन हाले ते तेरी भांजी तेन मिलन आ रही है खूब बना सजा के उन्हों ले आवांगे तेन ते पता है मेरी मंडी च एह जे माल खूब बिकता है Oh,
जाएगा शेर अफगन। 20 साल पहले एक कहानी इसे किस्म के बाजार तो शुरू हुई सी। उदो इस मंडी बराए फरोख की पट्टी तेरी बीवी ते पैंट लगी सी। अज जदो पांजी दी छाती ते बराए फरोख की पट्टी ते फिर जंबो जंबो जंबो। जज साहब हाले मंडी नहीं लगी, हाले ते सिर्फ एक पीस आया है। मंडी दा माल ते कैप्टन लेके आने वाला है। कैप्टन कभी लेट नहीं होया, मंडी लग चुकी है बॉस। खरीदार जंबो जंबो। उन मंडी सजिए प्राय फरोख की पट्टी इस इंटरनेशनल दली ते भी लाओ। खैर जा बॉस, आसमा मेरा प्यार है। अरे इसे बदले, इसे बदले मैं तेनु एहो जिया मशूक देंगा कि तमाश पीनों की कीमत तेरी कबर ते भी रख जाएगा। पर असी नहीं समझे कैप्टन, शहर शेर अफगन की पांजी तो ज्यादा हुसन की मालिक कोई होर कुड़ी भी जम सकती है। तुसी मेरे ते यकीन करो बॉस, मैं तुहानू इहदे नालों ज्यादा कीमत दा मशहूर पेश करांगा। तैनू कैप्टन की खिदमत का इनाम समझ के छड दियो। पर सानू भी ते पीस वखा। फिर की होया, हुण ते पराए फरोख की पट्टी लग चुकी है। हस गई चार शिकंजे अंदर ज्यों बेलन च गन्ना रानू को हुण रवे मोहम्मद और रवे का मन्ना। नाले तेरी तीनों सुरखा ते परते नहीं लगे तारिया, करनी दा फल ते भरना ही पैंदा है। अपना पीजिया बढ़ना शुरू कर दे। ओए मैं तेनू गोली मार दियांगा हराम ताते। गोली तेरी पैन नू लगेगी। नमक हराम कुत्ते साडे टुकड़िया ते पलन आले, तेरी ए जुर्रत। इसलिए अज बर्दी ला के तुहाडे सामने आया वा कि तुहानू पता लग जाए मैं तुहाडे मार्शल दे खिलाफ बगावत कर दित्ती है। जेदी जिंदगी चाहना ते तमाशबीन बन के खरीदारा दी सफे चा जा। जंबो जंबो जे मेरी पैन पर आए फरोख ते पट्टी लगन तो बाद लिख गई सी ते भी बिकेगी, जे ओ मर गई सी ते भी मरेगी। कैप्टन खुशियां मनाओ जंबो जंबो, खूब दी जवानी जंबो जंबो। खुशियां मना
जंबो 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 निशान मुसलमान ने मिटाना है दलियों में तुरंत निशान मिटा दिया सर आज इस हरे कमी ने इकट्ठे हो गए साडा की बनेगा मकबरा मैं ताडे सारे दबर
दीवे बालांगा। जी F-16 जरा भी लैंडिंग वेखो। जिंदाबाद F-16 जिंदाबाद। इंसाफ नूं जिंदा रहना चाहिदा है। जिस मुल्क विच इंसाफ ही न रवे उथे बे इंसाफी दी हुकमरानी आ जांदी है, नाजायज ला राज करदा है ते ओवे माशाल्लाह। ओ यार, पर साडे सिर ते एडा वड्डा एहसान, तू कानून ने ते मैनू फखर इस करदी कि अज मेरी ये बेकार जिंदगी
इंसाफ दे कानून नू बचांदिया बुक रही है। ऐ की नसीब ने वीरा जदों तक बुरे सा ते कठे सा जिसी दा रस्ता नजर आया ते उठ चलिया। मैनू यजीदी फौज दा ओ होर समझ पैणा जदों जदगर पुरा सी ओदा कमांडर सी सच्चाई नजर आई ते सिद्धे रस्ते ते पै के शहीद हो गया शहीद हो गया शहीद हो गया। साडा जंबो जंबो वेखण लई आ गए एनू टालन लई सानू इथों ना जाना चाहिदा है। चल आ तारीख दा एक सफा लिखांगी। मैं तेरी नहीं इस मुल्क दी बेटी हां। तू पूरे मुल्क की मां भी बन जाए ते तारीख तेनू एहो ही कहेगी कि तू शौकत दी बेटी ते मेरी भैन है। इस तो वड्डी मेरे लिए कोई गाल नहीं कि दुनिया मैनू तेरी भैन ते तेरे प्यो दी धीर ना तो याद करे। ते मेरे लिए इस तो वड्डी कोई गाल नहीं कि तू मेरे सामने गोली मारे ते मेरे तो वजी कमी नहीं बन जाए। सर हूने मुल्क तुहाडे माशाल्लाह नू बर्दाश्त नहीं करता तुसी बाहर क्रॉस कर जाओ। हां चलो 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 चढ़ भी जाओ। माफिया मंगन लग पे हो जाओ।
क्यों नहीं? वो इस लई कि सानू यकीन नहीं आता जे असी दौड़े ते तू साडा जंबो जंबो कर देगा। जो कह दिता आखर ते आखर है, जाओ तुम माफ किया। मैं यकीन नहीं आता पुत्रा, पहले कलमा पढ़ के कहो कि तू सानू दिलों माफ किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तुनू कुत्ते दी मौत मारूंगा। वेख सकना ते वेख तारिया, तेरी फौज दे सिपाही जिन्ना तेरे एक्शन दे खिलाफ जहाद कीता सिर चुके खलोते, मार्शल ला लाने वाले से सुट के टिके पए ने। आज मेरे मुल्क च इंसाफ भी है, कानून भी है, ते मार्शल ला। मार्शल्ला नहीं आएगा, सारे कवो मार्शल्ला नहीं।